देखिए, हम अयोध्या वासी हैं और अयोध्या जितने भी हमारे मेले में जितने हमारे भाई आए हुए हैं, हम एक संदेश देना चाहते हैं कि अयोध्या आवें, दर्शन करें, पूजा करें, स्नान करें। यही परंपरा यहाँ की है और यहाँ भी जो है साधु संत या गृहस्थ हों, कोई ऐसी बात नहीं है। हम लोग हमेशा मिल के रहते हैं। अभी हमारे पुजारी जी ने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है। हम इनका भी सम्मान करते हैं, जो उन्होंने कह दिया वो बिल्कुल ठीक है। हम उसी बात को मानते हैं, जो इन्होंने कहा वही बात को मानते हैं। हम हमेशा जो है साधु संतों के बीच में रहें, गृहस्थों के बीच में रहें। हम लोगों का कोई कभी भेदभाव नहीं रहा। हम पूरी दुनिया को संदेश देना चाहता हूँ कि देखो, हिंदू मुसलमान यहाँ किस तरीके रहते हैं, ऐसे आप अपने मोहल्ले में रहिए। अगर कोई कभी कुछ कोई बात होती है तो आपस में बैठ के समझ लीजिए, कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमारे देश का नुकसान हो, क्योंकि हम देश के वफादार भी हैं और देश का जो है तरक्की चाहते हैं। हमें चाहते हैं कि हिंदुस्तान पूरी दुनिया में जाना जाए, जो ये मुल्क हिंदुस्तान इतना बड़ा हो कि इसके लिए अमेरिका का नाम बाद में आए, पहले हिंदुस्तान का नाम आवे। बिस्मिल्लाह पढ़ करके इस मुहिम में हाथ लगाया था तो हमने पहले भी कई बार कहा है, आप सबके चैनल के माध्यम से भी मैंने कहा है कि बिस्मिल्लाह में बड़ी ताकत होती है, क्योंकि हम कुरान और हदीस के बताए हुए रास्ते पर चल रहे थे। आज वो चीज़ पूरा हो रहा है और हम सच्चे ईमान वाले हैं। देख लीजिए, विवादित स्थान पे हम लोग कभी नमाज अदा नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहाँ पर रामलला विराजमान है, वो रामलला का स्थान है। तो आज रामलला को अगर फैसला मिल रहा है तो इससे बढ़ के हमारे लिए और हमारे देश के लिए कोई खुशी की बात नहीं है। और रही बात मस्जिद की, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम आबादी भी मस्जिद बन जाएगा, जहाँ पे खुशी खुशी से इबादत होगा, जहाँ पे पाँचों वक्त का नमाज अदा किया जा सकेगा। ऐसे जगह पे मस्जिद बनाई जाए जिससे कि हमारे हिंदू मुस्लिम का आपसी तालमेल हमेशा के लिए बना रहे। और मैं अपील करता हूँ आप सभी चैनल के माध्यम से कि हमारे देश के सभी हिंदू और मुसलमान हमारे भाई मिल करके जो कोर्ट का फैसला आ रहा है उसका सम्मान करें, उसका स्वागत करें और जिसके भी पक्ष में फैसला